और दिन शुरू हो गया हमारा काम से। काम तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, हर औरत का काम यही है कि वो जब सुबह उठती है। जी डस्टिंग तो मैंने सारी कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बस झाड़ू वाड़ू लगाने लगी हूँ। थोड़े से गल गए थे तो मैंने चने डाल दिए हैं, ये देखें थोड़े से गल गए, पानी है अभी इसमें, इसको दोबारा से बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ और दिन शुरू हो गया हमारा काम से। काम तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, हर औरत का काम यही है कि वो जब सुबह उठती है तो उस बेचारी का दिन ही जो शुरू होता है वो काम से शुरू होता है। तो सारा कहते हैं ना, वो बड़े बूढ़े कहते हैं कि सुबह सुबह जो काम तुम करोगे ना वही करते रहोगे, तो बस काम से शुरू होता है, काम 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 काम। मैं भी बस कपड़े देखें, उस दिन धोए थे तो रख के चली गई थी, सुखा के चली गई थी, सॉरी, तो फिर इसके बाबा ने ला के अंदर रख दिए थे। अब वो तय करने लगी हूँ, देखें घर की हालत क्या हो रही है सारी। और मेरे असल में ना पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अंगूठे में, सॉरी पाँव में नहीं, अंगूठे में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, पैर के अंगूठे में। अभी मैं पानी वानी भर के आई, पानी आ गया था तो पानी वानी भर कर आई, सारे बर्तन धो कर आई किचन के, और अब पैर में इतना शदीद दर्द है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें मेरे पैर की हालत, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ सही तरह से, ये देखें मेरे अंगूठे की हालत क्या हो रही है, ये देख रहे हैं आप क्या हालत हो रही है मेरे अंगूठे की, ये पक रहा है, ये देखें ना, ये देखें इसमें इतना शदीद दर्द है कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, यकीन करें, ये देखें ये पक गया है, देख रहे हैं ये पक गया है, उसकी बहुत बुरी हालत है यकीन करें। और इतना दर्द है कि मुझसे पैर है ना ज़मीन पर पता नहीं कैसे रखा जा रहा है, मैं कैसे चल रही हूँ यकीन करें। इस साइड जो अंगूठे में दर्द था वो तो आपको पता है कि उधर गए थे तो वो नाखून दरवाज़ा लगा था, तो ये तो सही हो गया, कट गया, चलो मैंने कह दिया। लेकिन इस पैर के अंदर ये शायद मैं नाखून काट रही थी ना तो मुझसे पता नहीं कच्चा नाखून का गोश्त कट गया है, पता नहीं क्या, लेकिन इसकी बहुत बुरी हालत है यकीन करें। डॉक्टर को भी दिखाया था, ट्यूब भी लगा उसने दी थी, लिख के लगा रही थी, लेकिन अब सही नहीं हो रहा था। अभी फिर मैं वो अम्मी ने एक मरहम बनाया था हमारी, वो मरहम दिया है, कह रही ये लगाओ, ये पका के पक रहा था, तो अम्मी ने कहा वैसे भी पक रहा है, तो अम्मी ने ना वो ट्यूब दी, कह रही ये लगा लो तो ये फट जाएगा। अब लगा रही हूँ, इसमें बहुत दर्द है, इसमें ना चपके चल, तो चपके इतने चल रहे हैं कि चपकों की वजह से वो जो खिंचाव होता है ना वो खिंचाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है खिंचाव, यकीन करें इतना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, तो अब दर्द है। इसकी वजह से रात को भी जब मैंने लगाया तो इतनी देर तक मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और रात को तो हम मुझे बिल्कुल होश नहीं था, यकीन करें मैं ऐसी सोई हूँ ना अम्मी के घर से आकर कि मुझे कोई दुनिया का जहान का होश ही नहीं गया, क्योंकि परसों रात को सो नहीं सके थे, 4 बज गए थे हमें, तो बहरहाल जो ना इस वजह से सो, नींद इतनी थी आँखों में कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा नींद थी। तो बस अब काम करने लगी हूँ, काम तो करना, क्योंकि सिर्फ एक दिन जाते हैं ना घर से बाहर तो घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हालांकि यकीन करें कि एक तो होता है भाई अफराद से गंदगी होती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए हैं और सफाई नहीं हुई है, तो आहिस्ता 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 सफाई करती हूँ, यकीन करें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही, जवाब दे गई है। तो चलें जी दिखाती हूँ आपको सारा। जी डस्टिंग तो मैंने सारी कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बस झाड़ू वाड़ू लगाने लगी हूँ। और एक बात बतानी थी आप लोगों को, असल में मेरी बेटी है मुझसे नाराज़, और नाराज़ क्यों है, कल उसकी थी बर्थडे, ठीक है, कल उसकी बर्थडे थी 17 सितंबर को, तो जनाब उसकी बर्थडे हमने मनाई नहीं, ठीक है, क्योंकि 12 रबी अव्वल में लगे हुए थे। मैं तो यकीन माने आप, मैंने तो 12 रबी अव्वल का केक भी नहीं काटा, मुझे हालांकि याद था, अच्छे से याद था, बहुत अच्छे से याद था कि केक लेके आना है और केक काटना है। जब हम 14 अगस्त का काट सकते हैं तो क्या हम 12 रबी अव्वल का नहीं, जो हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन आप यकीन जाने, मैं आपको किस तरह बताऊँ कि मुझे याद ही नहीं रहा, यकीन कर, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने केक लेके आना और केक अम्मी के घर पे ही काट लेना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है ना। परसों रात को जो है बाहर गए थे तो इतना ज़्यादा मतलब उस मेरे सर में दर्द था, और वैसे मैं ना बात जो कुछ भूल जाऊँ तो भूल जाती हूँ, मुझे वो ही याद नहीं था, तो बर्थडे कहाँ से याद रहनी थी। तो वो जब कल शाम को मुझे याद आ रही, मैंने तो केक ही नहीं काटा, फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब मेरी बेटी साहिबा को मेरे जहन से निकल गया, अब वो भी मुझे नहीं बता रही थी, कल शाम को उसने बताया मम्मा मेरी बर्थडे है आज, मैंने कहा अच्छा, तो मैं फिर चुप हो गई, मैं उसको क्या करती,
घर आ गए इतना अच्छा, रास्ते में बता रही थी, वहाँ नहीं बताया, रास्ते में बता रही। फिर भाई ये ना, अब मैं उस वक्त क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर कहने लगी कि आपको मेरी बर्थडे याद नहीं थी मम्मा, ये है वो, आपको पता है एक है तो वो सर पे चढ़ी हुई है, यकीन करें। इतना गुस्सा करें मुझ पे, अपने बाबा पे कि बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाबा कहने लगे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चलो रात को, कहने लगे चलो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ, केक जला के ले आता हूँ। नहीं, आप पहले क्यों भूले हो मेरी बर्थडे? अरे भाई भूले नहीं है, क्या हो गया बेटा ये वो, नहीं वो सुने ही ना बात, इतने गुस्सा करे, इतनी बिगड़े कि जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। फिर इसकी आंटी ने कॉल की, उसने कहा कोई बात नहीं, हाँ आप बेटा एक दो दिन में कर लेना केक काटने का, क्या है, ज़ाहिर है महीना तो यही है तो हम लोग भी आ जाएंगे। नहीं मैं अब करूँगी नहीं, इतना रोए। फिर हमने कहा रात को चलो तुम्हें बाहर लेके चलते हैं, हम खाना खिला के लेते। अब तो मैंने कहा, मैंने काफ़ी पटाया, मैंने कहा बेटा अब आप बड़ी हो गई हो, अब है ना, कहते हैं क्या केक काटना, जब छोटी थी तो करते थे ना, इतनी धूमधाम से करते थे। मैंने कहा देखो मूवी वगैरह भी बनवाते थे, करते थे। लेकिन कहने लगी नहीं आपने मेरी अभी क्यों भूली, आप अभी क्यों नहीं की यार, उसने तो सच्ची इतना रात को डिस्टर्ब किया कि जिसकी कोई हद नहीं है। मान ही नहीं रही, बहुत उसके बाबा ने मनाया, मैंने मनाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझसे बात ही ना करें आप लोग, ये वो। मैंने फिर गुस्से में मैंने कहा कोई फ़र्ज नमाज नहीं है, जो कज़ा हो गई तो मैंने कहा बड़ी जी अफसोस की बात है, मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं की तो नहीं की, गुस्से के अंदर मैंने बोला। तो वो बस रात से ही मुझसे नाराज़ थी, सुबह स्कूल भी गई है, मुझसे बात नहीं की। अब आती है तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, लेकिन यकीन करें बस मुझे दुख भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना, ज़ाहिर एक ही बेटी है हमारी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि रात को रो इतना रही थी, यकीन करो मुझे रोना आ रहा था, कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी आ रहा था कि बात ही नहीं समझ रही थी वो किसी की। इतना मैं उसको समझा रही थी, लेकिन अब मैं किस तरह बताऊं कि मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन वो मेरी इस बात को समझने को तैयार नहीं थे। नहीं आप जान करके भूल गई, आपने सब कुछ जानबूझ के किया, ये वो बस। लेकिन अब आती है तो देखते हैं कि मैं उसको मना पाती हूँ क्या, पता नहीं। सफाई फाई तो मैंने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव चने का। और चने जो है वो मैंने उस दिन बॉईल किए थे, तो मैंने थोड़े से निकाल के रख दिए थे, मैंने कहा चलो कभी दिल करता है तो चाट बना लेंगे या काम आ जाएंगे। तो चने पड़े थे फटाफट से, क्योंकि मुझे देर हो गई थी सफाई करते करते, तो ये चने पड़े थे। तो अब ये चने मैंने निकाले हैं, ये टमाटर, बिरयानी मसाला और थोड़ा सा घर का मसाला डालूँगी, और ये हरी मिर्ची जो मैंने पीसी है पीस के डाल रही हूँ, और ये ऑयल में सिर्फ मैंने अदरक लहसुन डाला, आज प्याज नहीं डाला, ठीक है। और ये फटाफट से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को जो है चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ासतौर पे ये जो चने के चावलों के पुलाव होते हैं ये बहुत शौक से खाती है, बहुत बहुत शौक से खाती है। तो बस आप जो है ये देखें, ये थोड़े थोड़े से गोल्डन हो गए, अब इसमें डालेंगे ये मसाला, ये जो मैंने पीसे हैं, ये देखें ये थोड़ा सा इसको भूनूंगी, फिर इसमें टमाटर वगैरह डाल दूंगी। चलिए जी टमाटर मैंने डाल दिए, अब ये भूनता है थोड़ा सा, इसको लगाएंगे ढक्कन, फिर ये थोड़ा भूनता है। तो बाकी चनों में देखिए मैंने पानी डाल दिया था, तो अब चने डालेंगे बाद में, क्योंकि टमाटर वगैरह जो फिर वो भूनते वक्त ना, ये बहुत, क्योंकि ये तो गले हुए हैं ऑलरेडी, ये देखें ठीक है ना, ये गले हुए हैं, इनको डालेंगे बाद में, थोड़ा सा बस टमाटर नरम पड़ते हैं तो फिर डालते हैं। थोड़े से गल गए थे तो मैंने चने डाल दिए हैं, ये देखें थोड़े से गल गए, पानी है अभी इसमें, इसको दोबारा से बंद करते हैं। तो ये बिल्कुल जब इसका पानी खुश्क हो जाता है तो फिर इसको भूनते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर ये इस पुलाव की रेसिपी आप देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है ना, वाइट पुलाव की। और जो है ना ये बस अब इसको भूनते हैं, फिर पानी डालते हैं, पानी पकता है तो चावल डालते हैं, फटाफट से पुलाव बनाते हैं। टमाटर भी बिल्कुल गल गए, और अब वो इसमें डालते हैं पानी, ठीक है, ये देखें अब इसमें डालते हैं पानी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये देखें ये देखें ये देखिए, मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त।
और खुशबू तो इतनी प्यारी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलिए जी खाना निकालते हैं, खाना खाते हैं। बहुत सख्त भूख लगी है, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी सख्त भूख लगी। और पहले मैं हरी मिर्च डालती थी ना इसमें काट कर, तो यकीन करें कि कोई खाता भी नहीं था, एक साइडों पर निकाल निकाल के रख देते थे हरी मिर्च को। तो इसीलिए जो है मैंने ना अब पीस के डालती हूँ, तो बहुत मज़े की लगती है, यकीन करें बहुत मज़े की, और अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती इतनी मज़े की। ये देखें, ये देखें, अब इसको आप अचार के साथ खाएं, चाहे आप जिसके साथ आपका दिल चाहता है ना उसके साथ आप खाएं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चलिए जी खाना खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो आ जाए जी। खाना तो खा लिया था और अब पानी आ गया, तो मैंने कहा फटाफट से बर्तन धो लूँ, मैंने बर्तन खाली कर लिए। ये देखें चावल मैंने सारे इसमें निकाल दिए, ये देखें, और है ना ये बाकी मैंने कहा बर्तन वर्तन धो लूँ जल्दी, क्योंकि फिर पानी का पता नहीं होता कब चला जाए। तो बाकी मैं फटाफट से बर्तन धो ली, फिर आपसे मिलती हूँ। आज तो आराम भी नहीं किया है, बस खाना खा के हटी, पानी वानी आ गया तो आराम क्या करना था, बस जल्दी जल्दी करती पहले बर्तन साफ़ करती हैं। कितनी सी देर पानी आया है, पानी चला भी गया, ये देखें बर्तन, बस मैं धोना शुरू हुई थी और पानी चला गया है। भरे हुए पानी से मैंने बर्तन धोए, ये देखें सारे बर्तन मैंने धो लिए। ये पानी का हार है कि बस आता है थोड़ा सा चालू होता, मैंने सिर्फ ये वाला जो टब है ना इसको ही बस भरा था, भर के मैंने बर्तन जब तक टब भर रहा था मैंने चावल वावल का पतीला खाली किया और मैंने कहा चलो जल्दी से धो लेती हूँ। इतनी देर में बस आपसे बात करके हट के मैंने फटाफट है ना बस बर्तन धोने खड़ी, उस वक्त ही बंद हो गया टोटल पानी, जो बर्तन जो ना मैंने इस भरे हुए पानी से धोए। ये हाल है पानी का, भागते 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 पकड़ते पकड़ते भी पानी चला जाता है। चले जी, चले जी काम वाम तो मैंने सारा कर लिया, बर्तन वर्तन भी साफ़ कर लिए, किचन भी साफ़ करके आ गई। अब मैं असल में जा रही हूँ, उसके बाबा ने कॉल की है, वो हमने जाना थोड़ा काम से बाहर जा रहे हैं, थोड़ा तो काम है एक दो जगह, तो वो बस वहाँ जाना है, तो कह रहे हैं तैयार हो जाओ तो मैं आ रहा हूँ। तो ये देखें कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, कपड़े करने लगी हूँ प्रेस, और बस अब आप मुझे इजाज़त दे दें। और छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया, और बस मेरी बेटी जो है आई थी, मूड में है, बात नहीं की, और बस थोड़ा बहुत बात कर रही थी, लेकिन अभी तो उसका मूड सही नहीं है, तो फ़िलहाल अभी तो वो गई है ट्यूशन, और हम लोग तब तक वहाँ से होकर आ जाते हैं, काम से जाना है ज़रूरी, फिर रात को देखती हूँ उसको, कोशिश करती हूँ मनाने की, मान जाएगी तो बेहतर है। चले कोई बात नहीं, चले जी मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।